हाय हाय मयूरी जी, हाउ आर यू? आई आई एम गुड। हाउ आर यू डॉक्टर? एम बेटर। ओके ओके। एंड सो आप आपकी खुद की वीकनेस डू यू स्टिल फील इट, और इज इट बिकॉज़ ऑफ द वर्क प्रेशर? हाउ आर यू डीलिंग विद इट? नो, टच वुड, आई डोंट, आई एम नॉट फीलिंग एनी वीकनेस, बट जस्ट लिटिल लेजीनेस इज देयर। थोड़ा लेजीनेस जरूर होती है मगर वीकनेस एज सच नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग। सो मे बी द डाइट हैज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें, क्योंकि पहले से ही मैं हाई प्रोटीन डाइट लेता था, और बाद में भी पहले मैं कार्ब्स कम लेता था, बट कोरोना के बाद हमने कार्ब्स भी थोड़े अपने नॉर्मलाइज किए थे, अच्छे बढ़ाए थे, और प्रोटीन्स तो अच्छे रखे ही हैं। सो इवन तो हाई प्रोटीन डाइट हेल्प्स यू रिकवर, और पहले पहले दिन से अगर आप वो करते हैं तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस एंड ऑल वो मुझे नहीं हो रहा। सो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा, जिन लोगों को कोविड हो रहा है या होगा, तो अपना प्रोटीन डाइट, बल्कि मैं वैसे ही कहता रहता हूँ लोगों को, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। तो प्रोटीन्स प्रोटीन्स अपने बढ़ाइए, और जब व्हेन यू आर सिक विद कोरोना और एनी डिजीज, दैट इज नॉट द टाइम फॉर डाइटिंग। ऑलराइट, दैट इज नॉट द टाइम फॉर डाइटिंग, दैट इज नॉट द टाइम टू ईट जंक फूड आल्सो। राइट, डाइटिंग नहीं है तो जंक फूड भी नहीं खाना है, तला हुआ भी नहीं खाना है, समोसे कचोरी भी नहीं खाना है। सो दैट इज वन बिग मिस्टेक विच पीपल डू इन द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में क्या है, कैंटीन्स में उनको यही मिलता है, आलू गोड्डा, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, and also they start eating only those things rather than go with safer options. If you're not, अगर आप hospitals में हैं और ऐसे options नहीं मिल रहे हैं, जो non तला हुआ option लीजिए, पोहा ले लो, right? Those things ले लो, अगर ऐसी चीजें मिल रही है जो non तला हुआ है, so that is a better option. Simple पनीर sandwich, पनीर things. So high protein diet बहुत अच्छी चीज, important चीज है। आज भी अगर लोगों को weakness हो रही है, तो first thing for weakness is high protein diet and vitamins. Okay, and जैसे पिछली बार आपने कहा था कि शुगर का भी आपको ख्याल रखना है, so even that is one more thing that you would suggest, right? हाँ, young people who are up and about, they will not have any high sugar levels. जैसे मैंने अच्छा खासा स्टीरोइड डोज लिया था, लेकिन फिर भी मेरी को शुगर लेवल्स मेरी इतनी नहीं बढ़ी कि मुझे दवाई लेनी पड़ी। That is because I was always up and about. So even with high sugar, high steroids, I was not like कोई bed ridden नहीं थे, bed पे सिर्फ लेटे नहीं थे, घूम फिर रहे थे, तो अपना घर का घर पे काम कर रहे थे, घर वालों का ख्याल रख रहे थे, because everybody got sick together, so somebody had to do it, so that is there. So वो एक reason है कि आपको भी यही देखना है कि कमजोरी लगे तो भी you should not just confine yourself with a bed or bed ridden नहीं बनना है। सो डॉक्टर, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोविड सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव और थर्ड वेव का भी जो खतरा है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव और इस वेव में सब जानते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आपको क्या क्या फर्क देखने को मिल रहा है डॉक्टर? फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में वायरस म्यूटेट हुआ है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। वायरस की मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जाके वायरस जितनी, एक तो उसके ये देखा गया है जो म्यूटेशंस हैं, ये लंग्स को, आपके फेफड़ों को की जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी का मतलब होता है कि वायरस का जो जो लगाव है, जो प्यार है आपके फेफड़ों से, वो बढ़ गया है। तो और ज्यादा जल्दी आपके फेफड़ों में वो अटैच होता है, और ज्यादा जल्दी आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट कर रहा है। इसीलिए इवन आफ्टर वैक्सीनेशन आपकी बॉडी जितनी तेजी से आपके एंटीबॉडीज बनाती है कि वायरस को कम करे, उससे ज्यादा तेजी से वायरस जो है मल्टीप्लाई होता है आपके बॉडी के अंदर जाके, और फटाफट जाके फैल जाता है आपके लंग्स में। सो इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, जिनके एंटीबॉडी, बिकॉज देखो कई लोगों का ये सवाल आता है कि वैक्सीनेशन के बाद में भी इन्फेक्शन हो गया, वैक्सीन के बाद भी डॉक्टरों की डेथ हो गई कई सारे, सो ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया? देखो अल्टीमेटली इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो।
ओनली 70-80% पीपल मे बी किसी किसी वैक्सीन पे डिपेंड करेगा, वैक्सीन पे किसी का 90% रेट है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देंगे, किसी का 70% रेट है, राइट, फर्स्ट डोज का, पहली डोज लगाई है तो ओनली 60% रेट है, जैसे कोविशील्ड का, किसी किसी का बहुत ही कम है. नाउ एंटीबॉडी जो बना देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक में इतनी एंटीबॉडी बन जाएगी कि बहुत सारे, इट्स जस्ट लाइक ये आपको एक एक सैनिक की बात कर रहे हैं. सैनिक जैसे आपके अगर फौज में आपको कितने पुलिस वाले मिल जाएंगे, सो अगर आपकी सुरक्षा, आपको पता है आपके ऊपर खतरा आने वाला है और बहुत सारे मॉब जो होते हैं ना, दंगाई लोग आपके घर के आसपास आने, आप बोलोगे भाई घर को सुरक्षित करो, घर को सुरक्षित करो, उसके लिए घर के बाहर पुलिस वाले इकट्ठा करो, आप बहुत बड़ा नेता हो और आप क्या, मेरे घर पे जेड सिक्योरिटी चाहिए, तो आपने 10 गार्ड खड़े कर दिए, आपने 20 गार्ड खड़े कर दिए, तो ये जो 10 या 20 गार्ड है, गिनती के गार्ड है, ये वैक्सीन आपको देती है. तो वैक्सीन आपको कुछ एंटीबॉडीज देती है जो ब्लड में घूमते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स देते हैं जो गार्ड के पास फोन होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, वॉकी टॉकी. तो गार्ड्स क्या करते हैं, अपने जैसे ही उनको दिखा लोग आ रहे हैं, पहले फोन करते हैं, भाई लोग आ रहे हैं और लोगों को भेजो, बैकअप भेजो. तो बैकअप इसलिए, जैसे ही वायरस दिखता है आपके एंटीबॉडीज क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और फटक से आपके एंटीबॉडीज और बनने शुरू हो जाते हैं. तो द टाइम ड्यूरेशन जो है, जो सरप्राइज वाला टाइम है आपकी बॉडी को, कभी कभी होता है ना रात को ऐसा हो गया, सुबह पता चला पुलिस आ रही है, क्या मतलब हुआ, तो वो नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं होता है बॉडी में सरप्राइज वाला अटैक नहीं कर सकते वो जो. लेकिन ये जरूर होता है कि वो ज्यादा नंबर में अगर आ जाए वायरस, तो इन 10-20 लोगों के साथ अगर 100 लोग आ जाए, मान लो 100 से ज्यादा लोग आ जाए, तो वो 10-20 पे हावी हो सकते. सो ये जरूरी नहीं है कि आपने वैक्सीन ले ली तो आप सुरक्षित हो गए, आप सुपरमैन हो गए. ये जरूर है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगे, एंटीबॉडी आपको हेल्प करेंगे एक नॉन एंटीबॉडी वाले पर्सन से बेटर आपके पास चांस हो जाएगा, और आपके फिर भी वायरस हावी हो सकता है. सेकेंड वेव में ये प्रॉपर्टी हाई वायरस में देखी गई, फर्स्ट वेव में वायरस थोड़ा सा कम ये था. अब ये जरूर देखा गया है कि ये भैया ये 21वीं सदी का वायरस है, ये जटिल वायरस है, ये जिद्दी वायरस है. तो ये देख रहा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है या जैसे जैसे लोग उस पर रेजिस्टेंस आ रहा है, एक से अगर आ रहे हैं तो ये वायरस म्यूटेट करे जा रहा है. मेरे को ये लगता है कि ये ऐसा वायरस है जो ऑटो म्यूटेट होते जा रहा है, और इसके एक दो नहीं, जो हम तो गिनती के सुनते हैं कि फिर म्यूटेट हुआ. आपने तो 5 बार सुना होगा, 10 बार सुना होगा कि 10 म्यूटेशन हो गए, 6 म्यूटेशन हो गए, 15 हो गए. लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर हजारों म्यूटेशन आ रहे हैं और इसमें हजारों में ज्यादातर 99% म्यूटेशंस आर यूजलेस म्यूटेशंस होते हैं, जो वायरस को इट रेंडर्स इनएक्टिव, वायरस इनएक्टिव हो जाता है. लेकिन कुछ म्यूटेशन होते हैं जो 1%, 2%, 5% म्यूटेशन होते हैं, जो वायरस की जो इन्वेसिव प्रॉपर्टी या वायरस की जो अटैकिंग प्रॉपर्टी, जो वायरस की मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, इसको बढ़ा देता है. और वो कुछ म्यूटेशंस जब हमारे किसी लोगों में आ जाते हैं और वो एक दूसरे से फैला देते हैं, तो तब ये सेकेंड वेव, थर्ड वेव जनरेट होती है. और यही चीज आगे थर्ड वेव में भी होगी कि वायरस फिर हजारों बार म्यूटेट होगा और कोई एक म्यूटेशन आपके ऐसा आएगा जो जिसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी. जैसे आपने सुना होगा सिंगापुर में अभी एक नया म्यूटेशन आया था जो बच्चों को, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को, जिसके लिए कोई वायरस नहीं और कोई वैक्सीन नहीं है, 12 साल के नीचे कोई वैक्सीन अभी अप्रूव नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई. तो सिंगापुर में अभी जो नया वेरिएशन, जो म्यूटेशन आया B1617, वो सिर्फ छोटे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, और वहां देखा गया है छोटे बच्चों में वो धुआंधार स्पीड से फैल रहा है, इतनी स्पीड से फैल रहा है कि सिंगापुर जैसे जगह को अपने लॉकडाउन करना पड़ा, सारे सेंटर, स्कूल्स और बच्चों के जो कॉमन इकट्ठा होने वाले सेंटर्स है उसको बंद करना पड़ा. अच्छी बात यह है कि वहां पर बच्चे सिक नहीं, वहां बच्चे बहुत ज्यादा डेथ रेट जैसी या सीरियस वाली कंडीशंस नहीं हुई, बट ये चीज नहीं कह सकते कि वो इसलिए नहीं हुई कि कोई, हो सकता है उनको मेडिकल केयर समय पे मिल गई हो, अच्छी मिल गई हो, सिंगापुर जैसी जगह है. अब यही चीज इंडिया में होगी तो इंडिया में वैसे ही पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है, कुछ है नहीं मेडिकल सिस्टम, लोग यहाँ वहाँ भागेंगे, सिंपल ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है, सिंपल दवाई नहीं मिलेगी, बच्चों को पता नहीं होगा करना क्या है, तो वो बहुत
बहुत त्राहिमाम जैसी सिचुएशन हो सकती है. तो थर्ड वेव में प्रॉब्लम इज नॉट कि वायरस इज देयर, प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव एजुकेटेड पीपल प्रिपेयरिंग द कंट्री. वी डोंट हैव दैट. हमारे पास नहीं है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे हो, जिनके पास में पावर हो वो नहीं है, जिनको पता हो पावर हो नहीं है, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या ऐसी कोई चीज हो जो इसको यू नो गवर्न करे कि भाई इंडिया की मेडिकल इमरजेंसीज आ रही है तो उसकी डिसीजन कौन लेगा. हेल्थ मिनिस्ट्री लेगी ठीक है, मगर क्या आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या इंडिया के जितने डॉक्टर्स हैं क्या उनकी राय लोगे, क्या उनसे समझोगे कि भाई उनको क्या चाहिए. भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी सेना है और आप बोल रहे हो कि भाई दूसरे हमला करने वाले, तो सेना को तो बोलोगे ना कि भाई तुम्हें प्रिपेयर करना है, तुम्हारे को हथियार चाहिए, तुमको क्या चाहिए, है कि नहीं. अनलेस एंड अंटिल यू टॉक टू योर फोर्स, हाउ कैन यू प्रिपेयर योर फोर्स. तो इंडिया के अंदर थर्ड वेव आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, थर्ड वेव तो आएगी. ये वायरस ऐसी छोड़ने वाला थोड़ी है कि हाँ अब मैं म्यूटेट नहीं होगा, अब जो हो गया हो गया, ऐसा नहीं. तो गलती कहाँ हुई है, गलती हुई है कि फर्स्ट वेव में इन्होंने प्री मेच्योर लॉकडाउन कर दिया था, पहले बहुत जल्दी लॉकडाउन कर दिया, बहुत लंबा आ गया, और सेकेंड वेव में बहुत डिले किया लॉकडाउन करने. तो ये दोनों बहुत बड़ी गलती हुई है. मतलब ये अपने अपने पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, समझे. तो लॉकडाउन या कह लीजिए जब से लॉकडाउन लगा तब से थोड़ा सा, और जब से मतलब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, हर चीज उनको पता है, ये एक्सपेक्टेड है कि जब जब भी ऐसा कुछ महामारी आएगी सो काला बाजारी होगी, छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी चीज धुआंधार स्पीड में सैनिटाइजर हो नकली बनेंगे, वो उल्टे सीधे भाव में बेचे जाएंगे, ग्लव्स है, मास्क है, दवाइयां हैं. तो ऑब्वियस ही बात है किसी भी महामारी आने से पहले आपको हर चीज का रेट फिक्स कर देना चाहिए. सिंपल सी चीज है, हर चीज का एक सिंपल रेट बना दो. जब रेट फिक्स हो जाएगा तब आपका सिर्फ एक ही काम होगा कि नकली कहीं बन रहा है वो ढूंढ लो. मतलब दैट्स वेयर वी लैक इन गवर्नेंस, समझे. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, फंड्स नहीं है, बस वो एक्शन नहीं ले रही. सो दैट इज वेयर इट इज अ बिग इशू. सो पहला वेव, सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव जब आएगा तब का बहुत ये है, डर है और बहुत ज्यादा क्या बोलूंगा मैं इसमें. तो डॉक्टर ये जो वैक्सीनेशन है, अब थर्ड वेव में कैसा म्यूटेंट होगा वायरस वो पता नहीं है, तो ये भी खतरा है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये उस म्यूटेशन पर चल पाएगा या नहीं, या उस पर असर रहेगा. देखो नॉर्मली क्या है, मल्टीपल वैक्सीन्स आ रही हैं इंडिया में, अब गवर्नमेंट के ऊपर है उस वैक्सीन को अवेलेबल कराना. मगर इतना है कि अगर थर्ड वेव आएगा तो कम से कम 4-6-8 महीने का गैप लेके आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा. सो ये 4-6-8 महीने का जो गैप है, उस गैप में सबसे बड़ा रोल है वैक्सीनेशन का, कि उसमें अगर आपने सबको वैक्सीनेट करा दिया और सारी प्रॉपर वैक्सीनेशन होके अगर सबके अंदर इम्यून जो आपके एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में बन गए, तो ये कम फैलेगा आगे थर्ड वेव. होता क्या है कि वायरस के ऊपर बहुत सारे सरफेस एंटीजेंस होते हैं, बहुत सारे. सो कोई भी जो ये होता है म्यूटेशन होता है वो एक या दो या तीन सरफेस एंटीजेंस के ऊपर होता है, लेकिन बहुत सारे में से जो हमने लिया हो वैक्सीन बनाने का वही वाला सरफेस एंटीजन म्यूटेट हुआ हो, ये बहुत रेयर है. तो इसीलिए वैक्सीन तो काम करेगी, ये बात पक्की है, ठीक है. मगर ये आपको समझना है कि वैक्सीन के अपना काम करने का एक स्पीड है, वायरस की अगर स्पीड बढ़ जाती है तब फिर बात आ जाती है कि आपकी पहले की कंडीशन कैसी है, आपकी इम्यून सिस्टम कैसा है, आपके अंदर वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज कितनी पैदा हुई और वो कितने महीनों तक रही. आपने मान लीजिए 6 महीने बाद थर्ड वेव आनी है, आपने अभी वैक्सीन लगा ली और आपके अंदर एंटीबॉडी बन भी गई, लेकिन वो हर महीने कम 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 होके 6 महीने बाद जब वायरस आया तब आपके अंदर ना के बराबर एंटीबॉडीज थी, तो अब आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं. मैं बोलूँ मैं तो वैक्सीन लगा चुका हूँ, अब आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं. आप बोलोगे यार ये वैक्सीन नकली है, उसमें वैक्सीन की गलती नहीं है, उसमें गलती है कि यहाँ पर प्रॉपर इसका ड्यूरेशन ही नहीं है हमारे पास कि कितनी बनेगी और कितने दिन रहेगी. नॉर्मली कहते हैं 3-4 महीने तक रहेगी. मतलब वैक्सीन लगाने का सही समय कब है, जब वायरस आएगा उससे 1 या 2 महीने पहले.
यानी वायरस आने के एक या दो महीने पहले अगर हमें पता चले कि वायरस आने वाला है, जो कि पता होता है, जो कि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर ऐसी खबरें आ जाती हैं कि ऐसा वेरिएंट है जो इंडिया में आने वाला है या इंडिया में फैलने वाला है, जो कि पब्लिकली नहीं बताई जाती, प्रिपरेशन कर ली जाती है नहीं कर ली जाती है वो अलग बात है। और वायरस ये जैसे सेकेंड वेव आई थी वो पहले यूके में आई थी, पहले यूके में सेकेंड वेव आई थी और यूके में आने के बाद हमें लगा शायद नहीं आएगी इंडिया में, लेकिन आई, लेकिन आई और इंडिया में भी अच्छे खासे खूंखार तरीके से आई। यूके में इतना इतनी गड़बड़ी नहीं हुई थी, मगर यूके में भी डेथ हुई, यूके में भी बहुत लोगों को दिक्कतें हुई, पहले 7 दिनों में लोग मरे जैसे हमारे यहाँ मरे और 10 दिनों में मरे, लेकिन यही चीज़ वहाँ यूके में हुई, जो बच गया वो महीनों तक सफ़र किया, जो आईसीयूज में और वेंटिलेटर से भी निकले उनकी रिकवरी महीनों बाद हुई, एक एक दो दो महीने बाद हुई। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वी हैव एग्जाम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हैव एग्जाम्पल्स टू स्टडी एंड देन इम्प्लीमेंट ऑन आवर सेल्फ ऑन आवर आवर कंट्री। मगर हमें ये भी नहीं पता एक्चुअली क्वाइट, मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट कर रही हो, अपने लेवल पे कुछ कर रही हो और उनकी प्रॉब्लम्स हो जो हमें नहीं पता। भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, है ना? हम तो यही देखेंगे ना कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, हम ये थोड़ी देखेंगे कि वो क्या कर रहे थे, हमें थोड़ी पता। हमें तो देखेंगे कि भाई क्राइम हो गया, हमारा बंदा मर गया, आपने कुछ नहीं किया, ना हमें इंसाफ मिला ना हमें ऑक्सीजन मिला। बट हम ये नहीं देखते कि भाई वो क्या कर रहे हैं, हमें पता चले वो क्या कर रहे हैं या वो बताएं कि हमने क्या स्टेप्स लिया, नहीं बताएं। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है या हमें नहीं पता कि इंडिया में प्रॉब्लम कहाँ है, राइट? सही बात, बहुत सारे इश्यूज हैं। और इंडिया में ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है, एक से एक बड़े से बड़े आपके रिसोर्सफुल उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। अगर सारे मिलके काम करें ना तो वैक्सीन जितनी बना सकते हैं वो तो करोड़ों में बना सकते हैं, अगर सारे मिलके काम करें और सारे के सारे मिलके, मतलब वो होता है ना एक सेल्फिश पना आ जाता है कि यार वैक्सीन बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे और बेचेंगे तो हम ही बेचेंगे, हमारे पास पैसा आना चाहिए। और फिर एक सेल्फिश पना आ जाता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसको देंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसको देंगे, ये नहीं कि पब्लिकली आप उसको एक बड़ा वो बना दो एक, ये बहुत बड़ा स्टेप्स हैं, बहुत छोटे स्टेप्स हैं। गवर्नेंस की बात आती है ना, गवर्नमेंट, तो वो बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। सो ये थर्ड वेव में अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर गलती से थर्ड वेव में इंडिया प्रिपेयर नहीं करता और बच्चों में दिक्कत आती है तो बहुत बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब डॉक्टर, ये वायरल तो एक इशू है ही, फर्स्ट वेव में हमने जो नहीं देखा, अब ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और आज येलो फंगस भी आ गया है, ये क्या परेशानी और ज्यादा बढ़ा रहा है? देखो ये तो ऐसा है ना, जब हमारे पास में फर्स्ट वेव में सेकेंड इतना हैवी, इतने ज्यादा लोगों में आप कह लीजिए जिसको हम इम्यून सिस्टम का हमारा जो ये होता है साइटोकाइन स्टॉर्म क्राइसिस, वो नहीं देख रहे थे फर्स्ट वेव में, इतने ज्यादा लोगों में नहीं था। तो फर्स्ट वेव में कम लोग हॉस्पिटलाइज होते थे, ज्यादातर लोग बाहरी ट्रीटमेंट हो जाता था, और कम लोग जो हॉस्पिटलाइज होते थे उनको स्टीरॉयड लगता था। तो फर्स्ट वेव में कंट्रोल्ड था, तो वो स्टीरॉयड यूज कंट्रोल में था, जो लोग को स्टीरॉयड लग रहा था वो हॉस्पिटल में थे, उनके शुगर चेक हो रही थी, शुगर कंट्रोल में थी, और वहां पर फिर उस कंडीशन में फिर फंगस नहीं फैलता। फंगस तब फैलता है जब, अब क्या हो गया, अब इतना बुरा हाल हो गया सेकेंड वेव में कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे है, लोगों को ये नहीं मिल रहा, और जिनको बेड नहीं मिल रहे उनकी ऑक्सीजन लेवल 80-82 पर, ये पहले वेव में कहाँ देखा था कि लोग ऑक्सीजन के लिए मारा मारे फिर रहे, नहीं देखा था। तो ये सेकंड वेव में हुआ कि लोगों की ऑक्सीजन इतनी कम हो गई, ऑब्वियसली बात है जब ऑक्सीजन कम होगी, सीआरपी 100 हो गया, तो साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है, और उस साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने का एक ही तरीका है उस समय 7वें-8वें दिन पे कि आपको स्टीरॉयड दिया जाए, और अब उसके लिए कोई और ऑप्शन रह नहीं गया, पेशेंट को एडमिट कर नहीं पा रहे, जगह ही नहीं है, कहाँ रखेंगे, तो वही कोई और ऑप्शन ही नहीं रह गया, पेशेंट को घर पे स्टीरॉयड देना पड़ गया। तो जब घर पे स्टीरॉयड दिया, फिर पेशेंट को या तो समझाया नहीं कई लोगों ने कि शुगर भी चेक करनी है, शुगर पे नजर रखनी है, या छोटे मोटे नर्सिंग होम्स पे जहाँ पे बहुत इकट्ठे हो गए पेशेंट, वहां पे
कई बार क्या होता है, नर्सेस भी इंसान है, डॉक्टर्स भी इंसान है, और जिस प्रकार के आपके जिस प्रकार देख रहे हैं, आपके घर में अगर बुजुर्ग है, बच्चा है, तो आप भी डर जाते हो यार, मैं मेरे को ना हो जाए, मुझसे लोगों को ना हो जाए, राइट? कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। कई बार कई अस्पतालों में ऐसा होता है कि जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, वो दूर से देख लेते हैं, बाहर 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 से देख लेते हैं, अंदर नहीं जाते, डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं जाते कि भाई हम बचे रहें। और छोटे वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं तुम जाके देखो, तुम जाके ये देखो, तुम जाके वो देखो, फिर नर्सेस को बोलते हैं तुम देखो, फिर नर्सेस का रहता है यार हम ही क्यों मरे, है ना, हम हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम क्या करेंगे किसी को हो गया तो। और कोई कोई मान लो अगर कोई फौज में होता है और फौज में जख्मी हो जाता है, तो आप उसे वीर गति देते हो, उसके परिवार को पैसे देते हो। यहाँ कोई नर्से को हो गया, कुछ हो गया, तो आप तो उसके इलाज का खर्चा भी नहीं उठाओगे, है ना, आप इलाज का खर्चा भी नहीं उठाओगे, ये छोड़ो उसको 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 अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ऐसे सिचुएशन आने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे, और ऊपर से जो एक नर्स 3 पेशेंट पे होनी चाहिए वो 30, 40, 50 पेशेंट एक नर्स हैंडल करेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर पाए मैनेज। ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, इफ आई कैन जस्ट आस्क सागर और सुमन, आई एम सॉरी जितने भी लोग, राहुल सॉरी, हम लोग शायद डॉक्टर बात कर रहे थे, सो वी हैव नॉट बीन एबल टू लुक एट योर कमेंट्स और आंसर योर ऑलरेडी 10 बज गए, अब कहां टाइम है। आप सच कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर है अस्पतालों पर, अस्पताल के स्टाफ पर, ये तो और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा स्टाफ भी थक जाने वाला है। सो जब थर्ड वेव आएगा, थक जाने नहीं, आप सोचो हॉस्पिटल स्टाफ भी तो बीमार होता है। हॉस्पिटल के जब स्टाफ बीमार हो, मान लीजिए अस्पताल में एक वार्ड में 10 नर्सेज हैं, वार्ड में 50 पेशेंट हैं, अब 10 में से 5 नर्सेज बीमार हो गई, तो अब क्या हो गया, क्या हॉस्पिटल बंद कर देंगे? नहीं कर सकते, वो 5 नर्सों को बाकी संभालना पड़ेगा। अब वो 5 नर्सेज घर गई, घर पे अपना आराम कर रही है, उनके उनके पेरेंट्स बीमार हो गए, अब वो नर्स ठीक भी हो गई तो अपने पेरेंट को देखेगी कि जॉब को देखेगी? पेरेंट को देखेगी, भाई माँ बाप को देखना जरूरी है, जॉब नहीं है, जॉब वाले कहते हैं नहीं आओ, हमारे पास पेशेंट मर रहे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। सो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए तुरंत के तुरंत और ज्यादा नर्सेज, और ज्यादा हॉस्पिटल्स, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जितने हो सके उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हॉस्पिटल्स अपना आप बनाओ, जितनी चीजें ऑटोमेट हो सकती है, जितनी चीजें आपकी ऑटोमेटिक हो सकती है उसको ऑटोमेटिक करी जाए। कई सारे आज के डेट में इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर लेने के लिए, ऑक्सीजन देखने के लिए सीधा मॉनिटर होता है, वो अटैच कर दो, अपने आप ब्लड प्रेशर दिखता रहेगा, अपने आप ऑक्सीजन दिखता रहेगा, नर्स को देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, नर्स को सिर्फ जाना है, दवाई देनी है, देखना है, दूर से देख सकते हैं। सो वो सर्विस, वो सारे इक्विपमेंट हर जगह होने चाहिए। तो अगर आप कम लोगों में ज्यादा काम कराना चाहोगे तो उनको हथियार भी तो दो। अगर एक बंदा जाएगा कि सनी देवल बनेंगे तो उसके पास में बड़ी गन तो होनी चाहिए ना, वो गरीब आदमी क्या करेगा वो, है क्या नहीं? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन दैट इज द लैक ऑफ एजुकेशन। वहां पर इशू क्या हो जाता है, भाई आप संभालो, जो भी है संभालो, हमने क्या कर दिया, हमने बेड बढ़ा दिए, भाई बेड बढ़ा दिया तो उससे क्या हो जाएगा, आप वो जो डेफिशिएंसी है उसको तो देखो ना। सो दैट इज वेयर वेयर बहुत जगह लैक, बहुत ज्यादा जगह पे इशू है इंडिया के अंदर, जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता, और एक आदमी का काम भी नहीं है, ये पूरे सिस्टम का काम है कि एक एक लेवल पे गलती खत्म करें, तब जाके कुछ होगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीख है, बहुत बड़ा टाइम है लोगों के पास, अगर हम 4-6 महीने माने, अब ये सेकेंड वेव तो, अब देखो लॉकडाउन, अब लॉकडाउन हो गया तो अब कम हो गए हैं केसेस, अब हॉस्पिटल्स में भी केसेस कम आ रहे हैं जो अब, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ दिनों के लिए और सर्ज आएगा छोटे कुछ, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे, फिर कुछ दिनों के लिए और सर्ज आएगा, फिर वो वापस सेटल हो जाएगा, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब जो समय है, ये रोल है हमारी गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा रोल है गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा रोल है हमारे जितने भी, सबसे पहला स्टेप उनको करना चाहिए कि जितनी बिक्री है,
जितने मेडिकल इस चीज के चीजें हैं, दवाइयां हैं, उनके रेट फिक्स करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कालाबाजारी रोकोगे तभी आगे बढ़ोगे। और फिर सेकंड इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज है जिनका अब काम ठप हो गया, उल्टे सीधे जो खाने बनाने की इंडस्ट्री है, ये बनाने की इंडस्ट्री है, वो बनाने की फैक्ट्री है, इतनी जगहों पर सब बंद पड़ा हुआ है, तो वो बंद पड़े हुए को थोड़ा रीमॉडल करके आप अगर इसको ऐसे जो हमारे चीजें चाहिए आगे चल के, आपको वैक्सीन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, जो चाहिए उसके लिए प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा बेहतर। फंगस वंगस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, उसके लिए सफाई चाहिए, उसके लिए स्टाफ चाहिए। अगर पेशेंट की देखभाल की जाएगी तो पेशेंट को फंगस नहीं होगा। फंगस उसको होता है जब पेशेंट बेचारा गंदगी में पड़ा होता है, स्टीरॉयड दे रहे होते हैं, शुगर अनकंट्रोल होती है, और वहां पर जो गंदगी है वहां फंगस ग्रो हो रहा है, और वो फंगस ऑब्वियसली उनके अंदर जाएगा, जब आसपास है तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। शुगर अनकंट्रोल है, कोई देखने वाला नहीं है, जब केयर नहीं हो रही है तब इशू आ रहा है। सो ये सारे फंगल इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ने का थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है ना। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, घर पे अगर आप खाना आपके बाहर रख दोगे तो एक दो दिन में वहां आप देख लोगे उस पर फंगस ग्रो कर जाता है। सो फर्मेंट हो जाता है, फंगस ग्रो करता है। फंगस हमारे जगह आसपास होता है, हर जगह होता है, नॉर्मली होता है। सो अगर उसको डैम्पनेस मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। और आपके शरीर में अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो फंगस को ग्रो नहीं होने देता, ठीक है। तो आपकी इम्यून सिस्टम जब नीचे चले जाती है, शुगर जब बढ़ जाती है, तो फंगस को ग्रो करने में आसानी हो जाती है। यही मेन चीज है। तो आपको अपनी शुगर चेक करनी है अगर आप स्टीरॉइड ले रहे हो, ह्यूमिडिटी सही रखनी है, डैम्पनेस सही रखनी है। ये ना हो कि चीजें आसपास पड़ी हैं, सड़ रही हैं, घर पे हो या बाहर हो, साफ सफाई रखनी है, राइट। ये नहीं, कई बार क्या होता है, ऐसा समय था कि परिवार में हमारे भी सब के सब इतने कमजोर थे कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ना खड़े होने का मन कर रहा है, ना काम करने का मन कर रहा लग रहा। तो ये सोचो कि जिनके घर में बीमारी होती है, जिनके घर में सब बीमार है, एक बंदा है, एक अकेली लोग हैं या बुजुर्ग अकेले रहते हैं कई जगहों पे, उनका क्या हाल होता होगा। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जनसंख्या कम करनी पड़ेगी, ये काम नहीं चलेगा ऐसे। ये जो आगे चल के सारा बेड़ा गर्क हो रहा है, जितने भी दुनिया भर के लोग हैं जो दो दो चार चार बच्चे पैदा कर रहे हैं, भैया हाथ जोड़ के विनती है, वो बच्चों को पैदा करके तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, मत करो, ठीक है। आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया भर के लिए अच्छा नहीं है इतने सारे लोग। ऑलरेडी दुनिया में रिसोर्सेस कम है, और हमें सबको, इंडिया को ये रूल सबसे पहले लाना चाहिए, चुपचाप एक बच्चा पैदा करो बस, बहुत है, दो बच्चे तो करना ही नहीं चाहिए सबको, तभी तो कमी आएगी। ये दो, हम दो, हमारे दो बहुत हैं, दो क्या चीज़? थैंक यू सो मच। वो नहीं लाए ना बेटा, अपन नहीं लाए ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत सारी आज मैक्रो चीजों पर प्रकाश डाला है, दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली रिइटरेटिंग द प्रॉब्लम्स दैट वी माइट बी फेसिंग इन द थर्ड वेव आल्सो। और एक बार फिर से हमको याद दिलाने के लिए कि हमें अभी भी अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, योर पेशेंस नीड यू मोर देन अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय डॉक्टर, सी यू। एंड आपको आज थोड़ा सा रिलैक्स देखकर अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर, बाय बाय, सी यू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। Thank you everyone for joining in. All of these doctors, nursing staff, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं. So let's respect them all. And उनकी हम सिर्फ इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं. जैसे डॉक्टर ने बताया, हम अपने आप को और अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग रख सकते हैं. So let's do that. And you keep on asking questions and making this kind of all our interactions all the more interactive. Thank you so much, and bye bye. Good night everyone. With Roki be the person.